अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सबा मुकद्दस अपने नए व्लॉग के साथ। और आज का जो व्लॉग है ये है जनाब हेयर केराटिन से मुतल्लिक। हेयर केराटिन का आजकल किसको नहीं पता, ये बालों से रेलिवेंट है, क्योंकि मैं आप लोगों को पता कि मेरा बालों से ही रेलिवेंट चैनल है, कंटेंट जो है वो बालों से ही मुतल्लिक था। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ इसके बारे में जो मैंने इंफॉर्मेशन ली है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, इस केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना था और मैं बड़ी ज़्यादा इसके बारे में मतलब कीन ऑफ थी, शौकीन थी कि यार मैं किसी तरह से अपने बालों पे अप्लाई करवा लूँ। लेकिन मेरी एक रिलेटिव ने करवाया है कुछ हफ्ते पहले, तो उन्होंने अपना जो इसके बारे में एक्सपीरियंस है मेरे साथ शेयर किया है। तो उसके बाद मैंने क्या डिसाइड किया वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूँगी, ठीक है। लेकिन पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये एक छोटा सा सीरम होता है जो कि जिनके बाल कर्लिंग में हैं उनके लिए ये ज़्यादा बेस्ट है। जिनके बाल ऑलरेडी स्ट्रेट हैं तो उनको मेरे ख्याल में करवाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने नेचुरली आपके बाल स्ट्रेट किए हुए हैं तो आपको कुछ भी उसके ऊपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट मस्टर्ड ऑयल या दूसरे कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, इतने किस्म के ऑयल हैं, आप वो सीज़न के हिसाब से यूज़ करें और आपके बालों में शाइन आ जाएगी। और स्ट्रेट बाल हैं, अल्लाह ताला ने आपको ज़रूरत ही नहीं दी कि आप कोई और ट्रीटमेंट उसके ऊपर करवाएं। रही बात कर्लिंग बालों की, जिस तरह के मेरे बाल हैं या मेरे से कई लोगों के बाल हैं उनमें ज़्यादा वेव्स होती हैं, वो ज़्यादा कर्ल होते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इससे क्या होता है कि इसके जो बेनिफिट्स हैं थोड़े से मैं बताने लगी हूँ आपको। ये बालों को स्मूथ करता है, ये बालों को स्ट्रेट करता है, फुली स्ट्रेट नहीं करता लेकिन उसकी वेव्स बहुत हद तक कम हो जाती हैं। उसके अलावा इससे बालों में बहुत ज़्यादा शाइन आती है। और इसका एक बेनिफिट ये है कि आपको स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जिन्होंने ऑलरेडी बालों में स्ट्रिकिंग वगैरह या हेयर ड्राई वगैरह किए हुए हैं, तो चूंकि ऑलरेडी आप लोगों के बाल डैमेज हो जाते हैं, तो उसके लिए जो ये केराटिन ट्रीटमेंट है ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, या आप करवाएं। इस जब भी आप किसी अगर रिप्यूटेड या वेल नोन हेयर ड्रेसर के पास जाएंगे तो आपको जो बालों के तीन ट्रीटमेंट है, रिबाउंडिंग, बोटेक्स और केराटिन, इसमें से केराटिन को आपको रेकमेंड करेंगे कि ये आप अपने बालों के ऊपर करवाएं, क्योंकि ये जो बाल डैमेज हैं उसके लिए ये बेस्ट है। अच्छा जी, अब ये तो थे इसके बेनिफिट जो मैं बड़ी ज़्यादा इसको लेके मैं थी पोजेसिव थी कि यार मैंने भी अपने बालों पे अप्लाई करवाना है। तो पहले तो मुझे ये पता चला कि जब ये ट्रीटमेंट करवाया जाता है इसकी मतलब अप्लाई करने के लिए छोटा सा ये सिरप टाइप होता है, डिफरेंट कंट्रीज़ का होता है, चाइना का होता है, ब्राज़ील का होता है और अमेरिका का होता है, डिफरेंट कंपनीज़ का है, इवन कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान मेड भी हैं जिन्होंने अपने केराटिन जो है वो जनाब इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। तो आपने जब ये अप्लाई करवाना है तो आप 5 to 6 hours अपने माइंड में रखें कि आपको 5 to 6 hours इसके लिए अपना टाइम निकालना पड़ेगा। तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ, जब मैंने 5 से 6 hours देखा कि इसका टाइम ड्यूरेशन हो और मेरे 2 बच्चे भी हैं तो मैं थोड़ा सा इसके लिए चुप कर गई। मैंने कहा यार, फिर मैंने कहा किसी ना किसी तरह से अम्मी की तरफ जाऊंगी, वहाँ से थोड़ा टाइम मैनेज हो जाएगा, या इन लास्ट में कोई आ जाता है तो चलो बच्चे उनके पास रह जाते हैं तो हो जाएगा। उसके बाद जब मुझे पता चला जो इसके बेनिफिट जो मेरे बेनिफिट में नहीं है, एक तो ये 2 से 3 दिन आपने बालों को बांधना नहीं है, आपने बालों को वॉश नहीं करना, ठीक है, इवन कि आपने कैचर भी यूज़ नहीं करना। तो गर्मियाँ, गर्मियों में तो आप ये ट्रीटमेंट अगर जिन्होंने करवाना है वो सोचे भी ना, ये आप सर्दियों में सोच लें। और अगर आप हाउसवाइफ हैं तो मैंने तो उस वक्त जब मैंने ये सुना कि 2-3 दिन ये नहीं करना तो मैंने कहा यार ये तो मेरे लिए तो कम अज़ कम बहुत डिफ़िकल्ट है कि 2-3 दिन आपने बाल नहीं बांधना, क्योंकि मुझे कैचर करने की लाजमी आदत है। मैं गर्मियाँ हों या सर्दियाँ मैं लाजमी करती हूँ, ठीक है। और इसका जो मुझे बिल्कुल इसका मेरे फ़ायदे में जो एंड में रहा और जिसकी वजह से मैंने कहा मैंने ये अप्लाई नहीं करना, इसमें ऑयलिंग करने की आपको परमिशन नहीं है। 6 to 8 इसकी ड्यूरेशन है मंथ्स की, ये 8 months तक आपके बालों में रहता है, मतलब वर्क करता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल जो हैं वो दोबारा अपनी पोजिशन में आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने ऑयलिंग नहीं करनी क्योंकि हेयर
हेयरड्रेसर के अकॉर्डिंग कि इसमें जो हम सिरप यूज़ करते हैं उसमें ऑलरेडी बालों को 8 मंथ के लिए ऑयल दे दिया जाता है, ऑयलिंग कर दी जाती है। और मैं इतनी शॉक्ड हुई यार, मेरा तो बालों से रेलिवेंट तो मेरा चैनल है, तो मैं क्या करूँगी? और ऑयलिंग के बगैर मैं तो नहीं रह सकती। बंदा 1 वीक निकाल लेता, 2 वीक निकाल लेता, लेकिन इतने ज़्यादा मंथ्स। और मेरे लिए तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट लगा कि यार आपने ऑयलिंग नहीं करनी तो कैसे रहेंगे, जबकि बालों के लिए ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये बात होगी। और उसके बाद जनाब, और इसका जो मुझे मेरे बेनिफिट में ये चीज़ नहीं लगी कि हाँ, इसके अलावा जो मैंने नेट में सर्च किया कि जब आप हेयर केराटिन करवा लेते हैं वक्ती तौर पे आपके बाल स्मूथ एंड सिल्की एंड शाइनी हो जाते हैं, लेकिन जब इन द एंड ये इसका प्रोसेस जो है वो एंड हो जाता है तो उसके बाद बाल जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और अपनी फॉर्म में दोबारा आना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कहा यार इसका क्या फ़ायदा है, मैं इसको क्यों करवाऊँ? और साथ ये भी कहा गया है कि अगर आपके बाल ज़्यादा वो हैं, घने हैं और आपके बाल शाइनी हैं तो फिर केराटिन की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरे बालों में, मेरे हाथ में थोड़ी सी शाइन तो है और माशाल्लाह घने भी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी बेटर हैं। तो ये रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने कहा मैंने हेयर केराटिन जो है ना वो नहीं करवानी। इस वीडियो के दरमियान में मैं आप लोगों को वो क्लिप चला दूँगी जिसमें बालों का पहले जो फॉर्म थी वो और आफ्टर केराटिन उसकी जो बालों की फॉर्म होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये पार्लर की वीडियो है और हमारे एलिटमेंट करवाना है तो मेरी ये वीडियो लाजमी देखिएगा। और इसमें जो टिप्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन जो मैंने उस मेरे बेनिफिट में नहीं है वो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। और अगर नहीं भी पसंद आई तो फिर भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा अगर कोई हेयर ड्रेसर रिब्यूटेशन मेरी ये वीडियो देख रही हैं और इसमें मैंने कुछ मिस्टेक की हैं, कुछ मेरी करेक्शन होने वाली है, या मैंने मुझे सही से इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड नहीं की गई या मैंने खुद आप लोगों तक नहीं दी, तो उसकी ज़रा करेक्शन कर दीजिएगा। ठीक है, तो अनटिल द नेक्स्ट वीडियो मुझे सब आपको दस को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।